इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिसका हिंदी होता है शेषफल प्रमेय। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से पढ़ना होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम, मान लेते हैं कि पांच में हम तीन से भाग दें तो मेरा भागफल कितना, ऐसे देते हैं हम लोग पांच में तीन से भाग ये दो, ठीक। तो ये दो आया, इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो शेष बच जाता है नीचे में उसको बोलते हैं शेषफल। जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे वो भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट, और शेषफल को रिमाइंडर। और ये जो हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज, भाज यानी डिविडेंड। ठीक है, इस तरह से। तो हम पांच को लिख सकते हैं ना, पांच को लिख सकते हैं तीन गुना एक जोड़ दो, वो पांच के बराबर होगा। मान लेते हैं कि तेरह में हम चार से भागा देंगे, तो चार दिया बारह एक, तो हम तेरह को क्या लिख सकते हैं, इतना गुना इतना प्लस वन लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे हमेशा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये चीज हम लोग को याद रखना है, भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ये चार चीज है, चार चीज में कोई तीन चीज का वैल्यू आपका दे देगा और एक चौथा चीज का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा, नहीं निकल जाएगा। मान लेते हैं भाज दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, एक चीज और निकल जाएगा। हम मान लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, एक पूछा था कि ए में बी से भाग दिया, भागफल क्यू और शेषफल आर बचा, ए बी क्यू आर में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए शेषफल अगर पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल जो है हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ से। अब हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पे हम बोलेंगे कि R जो होगा रिमाइंडर या तो पूरा पूरा जीरो के बराबर होगा जब पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जीरो से कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। लेकिन जब भी शेषफल आएगा वो B से जिससे हम भाग दिए हैं उससे कम ही आएगा, नहीं, क्योंकि अगर तीन को पांच में तीन से भाग दिए दो शेष बचा, यहाँ पे इससे ज्यादा चार शेष बचता, तो चार तो शेष बचेगा नहीं, अगर चार बचता इसका मतलब एक बार और ज्यादा से कटता है। तो इसलिए शेषफल जो होगा हमेशा जिससे भाग देंगे उससे कम, और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर। ये चीज यूक्लिड डिवीजन भी टेंथ में पढ़े होंगे आप लोग, तो यही सेम चीज पढ़े होंगे। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा गया
क्वेश्चन इस प्रकार है, कह दिया कि भाजक जो है भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। तो यहाँ पे जो होगा शेषफल यहाँ कुछ बचा होगा, और बोल दिया कि शेषफल जो है 28 है, और ये 28 जो है यहाँ जो भाजक है 28 का शेषफल का कितना 3 गुना, इसका मतलब ये जो होगा 28 गुना 3। और ये बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 7 गुना, इसका मतलब ये 7वां भाग होगा, तो इतना बढ़ता 7 यानी कि 12 ही होगा, और हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 28 गुना 3 84, 84 गुना 12 ये भाज्य जो हो जाएगा, 84 गुना 12 इतना गुना इतना जो 28। हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, इकाई अंक देखिए सबका अलग अलग है, इकाई अंक अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो 4 गुनिया 8 गुना 4 गुनिया, और 8 में हमको इकाई अंक 8 जोड़ना है, यानी 16 यानी इकाई अंक कितना 6, सिर्फ इसका आंसर मेरा हो जाएगा, नहीं तो फिर गुना कीजिएगा तो भी आपका 236 आ जाएगा, गुना करके जोड़ दीजिए, लेकिन इकाई अंक से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, उसी में दूसरा इस तरह के टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को कितना से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना बचेगा, उसी संख्या को बोलेगा कि 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो हमेशा देखना है यहाँ पे कि 119 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरा 36 बच रहा है, तो 17 से भाग देना है तो यहाँ कितना बचेगा, तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 17 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो सेम इसी में हम 36 में ही 17 से भाग दे देंगे और यहाँ पे शेषफल मेरा बच जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, जो शेष बचेगा स्टार्ट में उसी में हमको जो संख्या से बोलेगा उससे भाग दे रहे हैं, ऐसे बोल दिया। कि 195 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 49 बच रहा है, इसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो हम देखेंगे कि 15 से ही पूरा पूरा 195 कट रहा है, तो हमको सिर्फ इसी में भाग दे देना है 15 से, तो 49 में 15 से देंगे तो 15 × 3 = 45 यानी शेषफल बच जाएगा 4। इसी में इस तरह से कर देगा कि कोई संख्या है उसको 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 से बच रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष मेरा 3 बच रहा है। अब कह रहा है कि इस संख्या के 3 गुना, तो 3 गुना इसको करेंगे तो शेष को भी हम 3 गुना कर देंगे, तो 9 हो गया मेरा फाइनल, अब 9 हो गया शेष पर। अब इसको अब 4 से भागा देने के लिए कहेगा तो हम इसमें देंगे या नहीं कि 3 में, 9 है तो 9 में 4 से भाग देंगे तब जाकर शेष मेरा कितना बच जाएगा। एक अगर इसको बोलेगा कि उस संख्या के वर्ग को, तो वर्ग करते तो ये पहला शेष 3 था तो 3 का स्क्वायर भी वर्ग हो जाता, कहता कि संख्या के 5 गुने को, तो पहला शेषफल 3 था तो 3 × 5 = 15 शेष हो जाता, और उसको बोलता 4 से या 5 से, तो उसके बाद हम ये जो नया शेष बनेगा उसमें हम भाग देंगे। ठीक, अब देखिए 28 में हम 5 से भागा दे रहे हैं, 5 × 25 यहाँ शेष बचा 3, हम 29 में 5 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ शेष बचा 4, अब हम 28 को और 29 को जोड़ दिए यानी 28 + 29 यानी कि ये हो गया कितना 57, और हम 57 में ही 5 से 5 से और इसमें भी 5 से ही भाग दे रहे हैं, तो यहाँ शेष कितना बचेगा 2, जबकि शेष बचना चाहिए 3 और 4 = 7 लेकिन बच रहा है 2, इसका मतलब हमें बोल सकते हैं ना
यहां पे तीन, अगर ये शेष हम माने आर वन आर टू आर थ्री ठीक है, और ए मेरा है भाजक, भाजक है तो हम बोल सकते हैं कि भाजक बराबर देखिए आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री अगर करेंगे तो ये मेरा क्या मिलेगा भाजक मिलेगा या नहीं, और ये जो है मेरा यहाँ पे क्या है दोनों संख्या का जो चार और तीन सात माइनस दो तब जाके मेरा पांच मिल जा रहा है। बात अच्छा से समझना है कि दोनों संख्या के जोड़ को हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या से, तो मेरा शेषफल मिल रहा है आर थ्री और ये तीनों दोनों का जोड़ तीसरा जो है जोड़ जोड़ को जो भाग दे रहे हैं उसका शेषफल माइनस कर रहे हैं तो मेरा भाजक प्राप्त हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि किसी संख्या को कोई दो गो डिफरेंट संख्या एक को हम भाग दिए एक से ठीक, यहाँ पे शेषफल मेरा आर वन आया। बी जो है दूसरा संख्या है उसको हम सेम संख्या से भाग दिए तो यहाँ पे आर टू मिला, लेकिन जब ए प्लस बी को तीसरा संख्या मान लिया कि ए प्लस बी बना और इसको जो है हम भाग दे रहे हैं एक से ही तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आर थ्री आया, तो हम तीनों को मिलाकर रिलेशन बोलेंगे कि एक्स जो होगा डिवाइजर जो होगा भाजक आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री के बराबर होगा, यानी कि भाजक ये क्या है भाजक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों संख्या अलग अलग का रिमाइंडर और ये दोनों संख्या के जोड़ का रिमाइंडर ठीक, इतना बात ध्यान में रखिए। इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया एग्जाम में वो देखिए, देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि दो गो संख्या है एक ही भाजक से भाग दे रहा है और दोनों को अलग अलग भाग दिया, तो अलग अलग में एक संख्या को भाग दे रहा है तो शेषफल तीन, दूसरा संख्या को दे रहा है उसी भाजक से तो शेषफल चार, और जब दोनों संख्या के जोड़ को भाग दे रहा है उसी भाजक से तो शेषफल दो बच रहा है। और इस तरह से हम भाजक का एक रिलेशन बताएं कि भाजक जो होता है ये जो डिवाइजर होगा भाजक आर वन प्लस आर टू जो अलग अलग भागफल का शेषफल भाज्य से जो भाग देंगे तो शेषफल होगा, और ये जोड़ का शेषफल आर थ्री दोनों के जोड़ में से एक जोड़ वाला आर थ्री घटा लेते हैं वो होता है भाजक मेरा। तो पहला अलग अलग शेषफल देखिए तीन है और चार है तो तीन प्लस चार करेंगे और माइनस में जोड़ का जो शेषफल बच रहा है दो, यानी कि मेरा शेषफल भाजक कितना आएगा और ऑप्शन मेरा ये था ठीक। इस तरह से मेरा कुछ भी क्वेश्चन दे अगर तीन भाग तीन को शेषफल दिया दो अलग अलग का और एक दोनों के जोड़ का, तो हम इस ये वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर कभी कभी भाजक का वैल्यू दे देगा आर वन आर टू दे देगा बोलेगा कि जोड़ को कितना होगा शेषफल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, देखिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे इस तरह से, अब ये भाजक दे दिया बोला कि दो अलग अलग संख्या दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग देना है, यानी डिवाइजर जो है 33 है, उस कंडीशन में एक बार शेषफल आ रहा है 21, दूसरा संख्या में भाग दे रहे हैं तो 28 और दोनों के जोग में हम 33 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम अभी बताए थे कि भाजक जो होगा वो हमेशा होता है अलग अलग का आर वन प्लस आर टू और जोग का आर थ्री घटा देते हैं, तो भाजक तो मेरे यहाँ बोल रहा है कि 33 है, आर वन कितना 21 आर टू 28 और ए आर थ्री मेरा निकालना है कि जोग का जो है भाग देंगे 33 से तो कितना शेष बचेगा। तो बताइए आर थ्री को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 21 28 49 33 उधर जाएगा तो हो गया मेरा 16।
और यही आपका ऑप्शन नंबर चार है और ये आंसर है आपका। देखिए क्वेश्चन इस तरह से देता है कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, उत्तरोत्तर क्या होता है, किसी संख्या से भाग दिए, हम मान लेते हैं कि 100 में भाग दिए 15 से, तो मेरा भागफल जो आया, यहाँ पे शेषफल लिख रहा है रिमाइंडर 15 से, तो 6 बार में 15 से 6 बार, यहाँ शेषफल 10, तो हम फिर बोलेंगे कि 2 4 से भाग दे रहे हैं, तो उत्तरोत्तर का मतलब जो भागफल आया 15 से, इस भागफल में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 2, तो फिर शेषफल जो आएगा 4 का 4 1 2, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर सक्सेसिवली। सक्सेसिवली समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या में हम भाग दिए, जितना भागफल आया उसमें अगला से भाग देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए 7 और 8 से बोल रहा है, तो 7 यहाँ लिख दिए, 8 लिख दिए, 7 और 8 से भाग दे रहा है तो शेष बच रहा है मेरा, इससे दे रहे हैं तो 3 और इससे दे रहे हैं तो 2, सामने सामने लिख दिए, लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा नहीं करेंगे कि 7 और 8 से भाग दे रहे हैं 3 2, अब बोलेगा कि 8 और 7 से देगा तो 2 3, उलट देंगे, ऐसा कभी नहीं, एकदम आंसर गलत हो जाएगा, वो आंसर नहीं आएगा। चाहे यहाँ बोलता 7 8 9 से भाग देने पर 3 2 1 बच रहा है, तो 9 8 7, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखेगा और बोल देगा कि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, तो भाजकों का क्रम यानी 7 8 से ना दे करके अब 8 7 से दे रहा, पहले 8 से लगाएगा, जो भागफल आएगा उसके बाद 7 से लगाएगा भागफल में। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग देखिए सीधा सीधी जो होता है पाई खींच लेंगे, सीधा सीधे में हमको क्या होता है जोड़, तो सीधा सीधा को जोड़ेंगे, और तिरछा तिरछा में क्या होता है गुना, तो तिरछा तिरछा कर देंगे, तो ये और ये जोड़ेंगे और हमेशा जो है अंतिम से या लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई, लास्ट से अंतिम से इधर से देखेंगे, हमको 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हुआ, और 10 में यहाँ पे बीच में गुना है, यहाँ पे आएंगे तो 10 7 70, 70 से फिर नीचे 3 जोड़ेंगे तो 73। हम संख्या क्या मानेंगे, मेरा संख्या इसी तरह निकलेगा, संख्या आया 73, सबसे पहले क्या करेंगे 7 8 है तो 7 8 लिख दिए, उससे भाग दे रहे हैं तो शेष 3 2, तो 3 2 लिख दिए, और सीधा सीधी में जोड़ और तिरछा तिरछी में गुना, और 8 जोड़ 2 करेंगे लास्ट से हमेशा, तो लास्ट से 8 2 10, 10 7 70 जोड़ 3, 73 मेरा हो गया फाइनल, वो संख्या जो है कि 73 है, तो 73 में अब हम देखिए क्या करेंगे, 8 और 7 से देना है भाग, तो 73 में हम 8 से भाग देंगे, शेषफल हम इधर लिख रहे हैं देखिएगा, तो 8 9 भागफल यहाँ दे रहे हैं 8 9 72, शेषफल कितना बचेगा यहाँ तो 73 का 1, अब 7 से हमको भागा देना रहेगा, तो 7 से हम इसी में देंगे, ये नहीं कि इसमें, तो 7 से इसमें भागा देंगे तो कितना भागफल आएगा, 7 का 7 2 बच जाएगा तो शेषफल 2, इसका मतलब कि 7 और 8 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना 1 तथा 2 बचेगा, ठीक है, नहीं समझ में आया एक 3 दिन वाला लेकर बताते हैं उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 3 संख्या दे दिया, तो हम सबसे पहले संख्या निकालेंगे कैसे, तो संख्या निकालेंगे यहाँ से भाग दे रहे हैं किससे, 5 से 4 से और 3 से, तो 5 से दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 3, 4 से 0 और इससे दे रहे हैं तो 2, ठीक, तो बोले कि यहाँ पे सीधा सीधा में क्या जोड़ करेंगे और तिरछा तिरछा में
गुना इस तरह से, और हमेशा इधर से चालू करेंगे लास्ट से, तो संख्या कितना आ जाएगा मेरा, संख्या आ जाएगा कितना, देखिए तीन जोड़ दो पांच और तिरछा आठ, तो गुना पांच दूने तीन दो पांच, पांच चौका बीस, बीस में जीरो जोड़ेंगे तो बीस है, फिर बीस पच्चे सौ, सौ गुना तीन कितना, एक सौ तीन, यानी संख्या मेरा हो गया एक सौ तीन। फिर से देख लेते हैं, पांच चार तीन, पांच चार तीन, तीन जीरो दो शेष बच रहा, तो तीन दो पांच, पांच चौका बीस, बीस जोड़ जीरो बीस, बीस पच्चे सौ आते हैं एक सौ तीन, ठीक है। अब एक सौ तीन आ गया मेरा संख्या, एक सौ तीन को हमको भाग देना है तीन चार और पांच से, तो एक सौ तीन में देखिए हम तीन से भाग दे रहे हैं, तीन से देंगे तो हम बोल रहे हैं कि शेष लिखिएगा इधर इसका, तो तीन से भाग देंगे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तीन का तीन भाग पहले यहां लिखते हैं, तीन तीन नौ, एक का तीन चौतीस आ गया, और शेष पर जो बच गया मेरा कितना दो ना, तो तीन से दे रहे हैं तो शेष पर दो, अब इसी में देंगे जो भागफल है उसमें अगला क्या कर रहा है चार से, तो चार से देंगे तो चार से आठ चौका बत्तीस, फिर भी शेष पर दो, फिर अब क्या कर रहा है पांच से, पांच से देंगे तो पांच का पांच आठ है, तो शेष बच जाएगा तीन, यानी कि कहेगा कि तीन चार पांच से भाग देने पे शेषफल कितना, तो शेषफल कितना दो दो तीन, तो आंसर में बोलेंगे आपका ऑप्शन रहेगा दो दो तथा तीन, समझ गए, तिरछा जोड़ रहेगा सामने सामने जोड़ करेंगे सीधी लाइन, और तिरछा इस तरह से लाइन खींचेगा उससे गुना करते जाएंगे, उस तरह से मेरा संख्या आ जाएगा, यहाँ पे बोलेगा इस तरह से नहीं लिख करके कि उसी संख्या को भाजक के क्रम उलटने पे, तो क्रम उलटने का भी मतलब यही हुआ कि चार पांच चार तीन से नहीं लिख करके तीन चार पांच से भाग देना है, या फिर यहाँ किसी भी संख्या से देना है, इस तरह से निकाल देंगे, एक होगा दो लिखा गया, चौतीस कटा तो एक ही से बचेगा ना, यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है।